बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। बेटा ठीक है, आप लोग सब खैरियत से हैं? चले बेटा जल्दी से अपनी कार सीरत तो नबी अपनी बुक्स ले लें और पेंसिल बेटा अपने पास रखें। सीरत तो नबी बुक्स निकाल लें, पेंसिल अपने पास रखें बेटा। आज हम कल जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे हमें कंटिन्यू करना है। जी ताहिर बेटा, कहना आपको तो आप कह सकते हैं बेटा। सफा नंबर 61 निकालिएगा, पेज नंबर 61। कल हमने रीड किया था कुफार की सकाफती इल्लतें। मैंने आप लोगों को कल सकाफत का मीनिंग बताया था, कोई आप में से बताएगा इस वक्त? और मुजम्मिल आज आप बेटा शुरू करेंगे, अभी जल्दी से तैयारी कर लें, आपने शुरू करना है आज। मुजम्मिल बॉयस आप लोग बेटा अपने, मुजम्मिल के बाद सुभान, आपकी भी कल टर्न नहीं आई थी, सुभान मुजम्मिल आप लोगों ने आज शुरू करना है बेटा। और जी बेटा सकाफते का क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे? कल मैंने आप लोगों को बताया था सकाफते जो है वो कुफार की सकाफती इल्लतें, इल्लतें और सकाफतें दोनों का मतलब बताएं, सकाफत और इल्लत। हैंड रेस करें, बताएं, किसी को भी नहीं याद है बेटा। सकाफत मैंने बताया था आप लोगों को कि रहन सहन, ठीक है, रहन सहन का तरीका, रस्म रिवाज, बोल चाल, आपका पहनना होना, ये सब चीजें जो है ये सकाफत में शामिल होती हैं। और इल्लत का मतलब है भाई, ठीक है। चले मुजम्मिल आप बेटा शुरू करें, सफा नंबर 61 से आपने रीडिंग शुरू करनी है। मुजम्मिल पेज नंबर 61, जल्दी से आ जाएं बेटा। सुभान आप आ जाएं बेटा, मुजम्मिल को टाइम जो है वो मेरा ख्याल है बुक्स नहीं है उनके पास, अपने पास अपनी बुक्स और पेंसिल जरूर लाजमी बेटा साथ रखें। सुभान स्टार्ट रीडिंग बेटा। कौन चाहता है बेटा रीड कौन करेगा, आप मुझे बताएं अब आप लोग। चले अली हसन बेटा शुरू कर दें, अली हसन स्टार्ट रीडिंग बेटा। ईजा प्रावस्ते बाद रसानी और लालच के चक्कर, ईजा ईजा रसानी, ईजा कहते हैं अन हुजूर अली हसन, एक मिनट बेटा एक मिनट, ईजा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अजीज, अली हसन एक मिनट, ईजा रसानी और लालच के चक्कर। ईजा कहते हैं किसी को बहुत तकलीफ पहुंचाना, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा किसी को तकलीफ में जो है वो डाल देना, उसको हम कहेंगे कि ईजा रसानी। चले पढ़िए अली हसन शुरू कीजिए। कुफारे मक्का अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अजीतों और लालचों से हक बात से रोकने पर तले बैठे थे। वो मुसलमानों की बिला जवाज तो है तोहीन करते, उन्हें गालियां देते और उन्हें बदनाम करते थे। वही अहल मक्का जो कल तक अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह थे और उन्हें अमीन और सादिक के आला लकबों से पुकारते थे, ऐलान हक सुनते ही यक करार देने पर उतर आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लालच के जाल फेंकने भी शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बाद तीव्रे तरह तरह की भारी माली, हंसी और जंसी लालच दिए गए।
جب ان کے یہ تمام مضموم حربے اور حتک کندے ناکام ہو گئے تو انہوں نے اس بارے میں حضرت ابو طالب سے رابطہ کیا. انہوں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خطرناک نتائج کی دھمکیاں ہی دیں اور چند پیشکشوں کا لالچ بھی دلایا. عمر رسیدہ چچا نے بھتیجے کو بہتیرا سمجھایا بجایا کہ کفار کی مخالفت سے بنو ہاشم کو شدید نقصان اور سنگین خطروں کا سامنا ہو سکتا ہے. انہوں نے کافروں کی دھمکیوں کے علاوہ ان کی پیشکشوں کا ذکر بھی کیا. اس مرحلہ پر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا, پیارے چچا, اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے مقدس مشن سے دستبردار نہیں ہوں گا. علی حسن بس بیٹا ڈونٹ ڈو دس پلیز. چلے اب دیکھیں اب کیا ہوا. اس کے میننگ جو ہے مشکل الفاظ کے وہ پلیز آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. اب دیکھیں ایزا رسانی اور لالچ کے چکر, میں نے آپ لوگ پہلے بتا دیا ایزا کا مطلب ہے کسی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانا. کفار مکہ نے کیا دیکھا کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق کی بات کہنے سے کسی بھی طرح نہیں رک رہے تھے تو انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیں, ان کو تکلیف پہنچائیں اور ان کو لالچ بھی دیے. وہ بس چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق کی بات کہنے سے رک جائیں. بلا جواز کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں سیکنڈ لائن میں ہے بلا جواز, اس کا مطلب ہے بغیر کسی وجہ کے. ٹھیک ہے, کسی بھی وجہ کے بغیر وہ مسلمانوں کی توہین کرتے. توہین کا مطلب ہے بے عزتی کرنا, انہیں جو ہے وہ برا بھلا کہتے, انہیں بدنام کرتے. اور وہی اہل مکہ جو کل تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح تھے. تیسری لائنی لفظ ہے مداح. مداح کا مطلب ہے کسی کا جو ہے وہ بہت زیادہ کسی کو پسند کرنا, بہت زیادہ کسی کا ہونا پسند کرنا, اس کی تعریف کرنا. اور مکہ کے لوگ جو ہے کافر تھا نہ کہ, لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ امین اور صادق کے اعلیٰ لقبوں سے پکارتے تھے. امین کا مطلب ہے امانت دار اور صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ماننے کے باوجود, ان تمام باتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود, جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق کیا, جہاں اسلام کا کام پہنچانے کا انہوں نے جو وہ کھلم کھلا انہوں نے ارادہ کیا, وہیں پہ تمام لوگ جو تھے کفار جو تھے وہ بھی مخالفت پر اتر آئے اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جن کو وہ پہلے صادق کہتے تھے, انہیں جھوٹا قرار دینے پر بھی انہوں نے جو ہے وہ بس نہیں کیا. اب دیکھیں دوسرے پیراگراف میں ہے جسمانی اور ذہنی ایزا رسانی. اب دیکھیں جسمانی تکلیفیں بھی پہنچائیں مسلمانوں کو اور ذہنی جو اذیت تھی, ذہنی تکالیف ہے, وہ بھی انہوں نے کفاروں نے پہنچانے سے دریغ نہیں کیا. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ آپ سسنے پر لالچ کے جال پھینکے. ٹھیک ہے, اور ہر طرح کا لالچ ان کو دینے کی کوشش کی, لیکن ہوا کہ ان کے تمام یہ جو مضموم, ان کے جو ذرائع تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے, تمام جو ذرائع تھے ان کے, یہاں پہ لکھا نا مضموم, مضموم کا مطلب ہے بہت ہی خراب.
ठीक है, हरबे मतलब तरीके, हटकंडे का मतलब भी तरीके ही होता है। सब तरीके जो इनके नाकाम हो गए, तो उन्होंने कुफारों ने क्या किया, हजरत अबू तालिब से राब्ता किया और उन्होंने हज़रत सल्लम के मिशन के खतरनाक नतायश की धमकियां भी दी। अब उनका बस जब कुछ नहीं चला, देखें उन्होंने तकलीफें देकर देख ली, उन्होंने लालच दिए, ठीक है, उन्होंने हर तरह का जो है वो तरीका आजमा के देख लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन से किसी भी तरह हटने के लिए, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कुफारों ने आसलम के चचा से राब्ता किया और उनको खुल्लम खुल्ला उनको बता दिया कि इसके जो नतायज हैं, जो ये मिशन है दीन इस्लाम को फैलाने का, तबलीग का, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा और इसका बहुत ही खतरनाक नतीजा सामने आएगा। अब उन्होंने धमकियां तो दी ही, साथ उसके उनको भी लालच का उन्होंने जो है वो पेशकश की। उमर रसीदा का मतलब है बहुत ही ज्यादा जो है वो बुजुर्ग। आप सलम के जो चचा थे वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, उन्होंने भी अपने भतीजे को समझाया, उनको समझाने की कोशिश की कि ये इस तरह इनसे जो है वो इनको ना इस तरह दीन के इस्लाम की तबलीग इनको ना करें, क्योंकि इससे आसलम को बहुत शदीद खतरा जो है वो सामना उसका हो सकता है। और जब चचा ने आपको समझाने के साथ इन सब बातों का भी तस्करा किया कि मुझे भी कुफार जो है वो धमकियां भी दे रहे हैं और मुझे भी लालच का भी जो है वो जिक्र किया, तो उस पर जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में फरमा दिया कि प्यारे चचा, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं पर चांद भी रख दें, तब भी मैं अपने मुकद्दस मिशन से जो है वो दस्तबरदार नहीं हूंगा। ठीक है, ये चीज हुई थी उस वक्त। चले अब किंजा आप पढ़िए, किंजा नेक्स्ट जो है वो पढ़ना शुरू करें बेटा। हिस्सों के दिल पर एक जाल, खौफनाक धमकियों और लालच के जालों के साथ साथ कुफार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ज्यादा बाजारी और लचर सकाफती हरबे भी इस्तेमाल किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरगलाने और अपने मिशन से हटाने के लिए उन्होंने इस किस्म के लघु मनसूबे तश्कील देने शुरू कर दिए। जी, अब पहला जो है उनका मंसूबा जो है वो पढ़िए किंजा। लोग किस्म से वर्गलाने का मंसूबा, कुफार ने इर्द गिर्द के इलाकों से मशहूर और शिरवानी लोग किस्म मंगवाने का मंसूबा तैयार किया ताकि इन्हें अवाम में मकबूल बना दिया जाए। उनका ख्याल था कि इससे लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल होने की बजाय उन लहजन लोग किस्म की लतों में खो जाएंगे। बेहुदा नगमों और वाहियात रक्सों से तसलाने का हरबा, एक और ज्यादा शेरवानी मंसूबा यह था कि अवाम में बेहुदा नगमों और वाहियात रक्सों को इस कदर आम कर दिया जाए कि उन्हें दावत इस्लाम की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही न मिले। इस मंसूबे का खालिक नसर बन अल हारिस था। उसने इस शैतानी मंसूबे को अमली शक्ल देना भी शुरू कर दी थी। उसने गुलामों की मंडी से चंद गाने नाचने वाली खूबसूरत लौंडियां खरीद रखी थी। जब भी किसी के मुसलमान हो जाने की इत्तला मिलती तो हसीन रक्साओं के जरिए उसे फिसलाने के हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर देता। वो इस गलीज गर्ज के लिए जिस मगनियों और रकासा का इंतखाब करता, उसे ये नुक्ता बखूबी समझा देता कि उसने मुतलका मुसलम के दिलो दिमाग पर अपने हुसन और फन का जादू इस कमाल से चला देना है कि वो इस्लाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के बारे में सब कुछ भूल जाए। ताहम इस किस्म के लघु और घटिया सकाफती भरबे भी मुसलमानों को वर्गलाने, फसलाने और बहकाने में कतई नाकाम रहे। बस ठीक है फिजा, ठीक है, चलें अब देखें बेटा क्लास सेवन जो बच्चे बाद में आए हैं वो प्लीज सुन लें।
ये हम पेज नंबर 61 पे जी मुसफ अभी मैं आपसे बेटा रीडिंग करवा रही हूँ। पेज नंबर 61 पे हूँ इस वक्त मैं। लघु लोक किस्सों, लिचर नगमों और बेहुदा रक्सों के दिल फरेब जाल। पेज नंबर 61 की सबसे आखिरी ये हेडिंग है जिसपे हम लोग हैं इस वक्त। ठीक है, लघु कहते हैं बहुत ही खराब किस्म का, ठीक है, बहुत ही मायूब किस्म का, बहुत ही बुरा। अब उन लोगों ने क्या किया, ये कुछ हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसमें। लोक किस्से थे, कुछ बहुत ही बेहुदा नगमे थे और इसी तरह के बेहुदा रक्स कहते हैं नाच गाने को। ठीक है, उसके भी दिलफरेब जाल, दिलफरेब कहते हैं खूबसूरत को, इसके जाल उन्होंने कुफारों ने फेंकना मुसलमानों पर शुरू कर दिए। अब उन्होंने जब देखा इन खौफनाक धमकियों और लालचों के जालों के साथ साथ कुफार ने आहजू के खिलाफ ज्यादा बाजारी और लिचर सकाफती हरबे भी इस्तेमाल किए, उन्होंने क्या किया, हुजूर को वरगलाने। वरगलाने का क्या मतलब है, किसी को बहकाना, अपने जो है वो मकसद से हटा देना किसी को, वरगलाना, अपने मिशन से हटाने के लिए उन्होंने इस किस्म के मंसूबे भी तश्कील देने शुरू कर दिया। देखिए उन मंसूबों में जो पहला मंसूबा था वो था लोक किस्सों से वरगलाने का मंसूबा। कुफार ने इर्द गिर्द के इलाकों से मशहूर और शैवानी लोक किस्से मंगवाने शुरू किए, उन्हें अवाम में उन्होंने मकबूल बना दिया। उनका ख्याल था कि लोग जो है वो इस तरह की हरकतों से क्या होगा कि लोग जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से उनका ध्यान हट जाएगा सच की बात को छोड़कर और वो इस तरह के किस्सों में खो जाएंगे, ये उनका मकसद था। फिर इसी तरह से बेहुदा नगमों और वाहियात रक्सों से जो है वो उनको फसलाने की उन्होंने जो है वो कोशिश की, और लेकिन ये उनका जो हरबा था ये भी उनका नाकाम हो गया। और इस मंसूबे का जो खालिक था वो नसर बिन अल हारिस था, और उसने जो है इस मकसद के लिए जो है वो जिन लोगों को उसने रखा था उनको उसने बखूबी समझा दिया था कि नॉन मुस्लिम कहते हैं नए नए मुसलमान होने वाले को, कि उसने जो है वो नॉन मुस्लिम शख्स के दिल पे और दिमाग पे अपना जो है वो पूरा कब्जा उसने जो है वो जमा देना है। लेकिन जाहिर है उनको इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि बेशक वो मुसलमान जो है वो नए नए हुए हैं, लेकिन उनका ईमान जो था वो बहुत पुख्ता था और उनके इस तरह के किसी भी जाल में, किसी भी फरेब में कोई भी जो है वो मुसलमान, बेशक वो नया नया मुसलमान इस्लाम में दाखिल हुए थे, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह के इस फरेब में वो नहीं आए। ठीक है, और ये कुफार का ये जो है ये हरबा भी जो है वो कतई नाकाम हो गया। चले मुस्तफा बेटा, अब आप आगे रीड करिए। बेटा जो रीड करना चाहता है मैं इसमें यहाँ पे कहूंगी। कलीम आपने हैंड रेस किया है, मुसफ ठीक है, आप लोगों को जिस जिसने हैंड रेस किया है मैं फिर आप लोगों को बेटा वन बाय वन चांस दे रही हूँ। सुभान, अगर आपकी बेटा कल भी रीडिंग नहीं हुई थी, काइंडली आप बिल्कुल अगर रेडी है रीडिंग के लिए तो अपना हैंड रेस मुझे करके बता दें। शामीर है, सुभान है, मुजम्मिल है जिनकी कल रीडिंग, तबीन है, तबीन आप लोग बेटा सब हैंड रेस करें ताकि मुझे अंदाजा हो, और जिस जिसकी रीडिंग होती जाए वो हैंड रेस भी रिमूव करते जाए। चले मुसफ, अब आप पढ़िए। मुसफ के बाद कुफार को अबू तालिब की धमकी। एक दफा जब कुफार की दुश्मनी और मुखालफत खूब जोरों पर थी, हजरत अबू तालिब अपने अपने खानदान के हमरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए। उन्हें वहां मौजूद ना पाया तो अबू तालिब कदरे खाइफ हो गए। उन्हें खदशा था कि उनके प्यारे भतीजे को कुफार ने शहीद ना कर डाला हो। वो इस ख्याल से तेश में आ गए। चिनाचा उन्होंने फौरन बनी हाशिम और बनी मतलब के चंद मंचले जानबाजों को बुलाया और उनसे यूं मुखातिब हुए, तुम में से हर जवान एक खंजर या कोई और तेज धार हथियार पकड़ ले और इसे अपनी चादर के नीचे छुपा ले, फिर तुम सब मेरे साथ खाना काबा चलो। जो नहीं हम खाना काबा में दाखिल हों तो तुम देख लेना कि हम खाना काबा में दाखिल हों तो तुम देख लेना कि अबू जहल की सिमत किस मजमे में बैठा है। बस उस बेटा ये कौन कर रहा है, चले एक मिनट रुक जाए मुसफ, मैं जो कर रहा है बेटा पहले उनको मैं वार्न कर रही हूँ, प्लीज इसको रिमूव करें वरना मैं आपको बेटा आउट कर दूंगी मीटिंग से। नेम भी आपका बेटा जो है अपने नाम से जो बच्चे नहीं आए उनकी फिर एब्सेंट लगेगी, ये बहुत दफा मैं आपको ये बात समझा चुकी हूँ। चले ठीक है मुसफ, स्टार्ट कीजिए बेटा। बस उस मजमे के किसी भी फर्द को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ना, क्योंकि जाहिर है इसी मजमे के अफराद ही ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया होगा।
ये हदायत सुनते ही हजरत अबू तालिब और उनका मुसल्ला दस्ता खाना काबा की तरफ तेजी से बढ़े। रास्ते में उन्हें जैद बिन हारसा रसूलुल्लाह अन्हा मिले। उन्होंने बताया कि अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही और सलामत हैं। हजरत अबू तालिब ने सुख का सांस भरा और अपना मंसूबा तर्क कर दिया। अगली सुबह हजरत अबू ठीक है मुसफ ठीक है बेटा चलें। अब देखें अब क्या हुआ कि कुफार को अबू तालिब की धमकी। अब देखिए पहले जो है वो काफिरों ने अबू तालिब को जो है वो धमकियां दी थी, उनको जो वो लालच भी दिया, और जिसके जवाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उन्हें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ साफ कहते थे कि ये लोग जो है वो अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी रख दें फिर भी जो है वो मैं इनकी किसी भी बात पे जो है वो अमल नहीं करूँगा। और इसके बाद क्या हुआ कि एक दफ़ा जब कुफार की दुश्मनी और मुखालफत बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर थी, बहुत उरूज पर थी, तो हज़रत अबू तालिब अपने ख़ानदान के हमरा आज़ू के घर आए, और जब उन्होंने आज़ू को अपने घर पे ना पाया तो वो बहुत खायफ हो गए। खायफ होने का क्या मतलब है, खौफ ज़दा हो जाना, बहुत ज़्यादा डर गए वो, और उन्हें इस चीज़ का डर लगा कि उनके प्यारे भतीजे को कहीं काफिरों ने शहीद ना कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो धमकियाँ तो दे ही रहे थे, मुस्तकिल धमकियाँ जो है वो दे रहे थे। इस ख्याल से आपके जो चचा थे वो तैश में आ गए, तैश कहते हैं गुस्से को, बहुत शदीद गुस्सा आ गया आपको, और आपने फौरन बनी हाशिम और बनी मुतलिब के चंद जाबाजों को बुलाया और उनसे मुखातिब हुए कि तुम में से हर जवान एक खंजर या कोई एक तेज धार हथियार पकड़ ले और अपनी चादर के नीचे छुपा ले। देखिए इस हालात में भी जो है वो हजरत अबू तालिब ने खुल्लम खुल्ला जो है वो लड़ने से गुरेज किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि हथियार ले लो लेकिन उनको छुपा के लेकर जाना है। और सबको लेकर आप जब खाना काबा चले, जू ही आप जब दाखिल हुए तो आपने उन्होंने अपने जाबाजों से कहा कि जू ही हम खाना काबा में दाखिल होंगे तो तुम देख लेना कि अबू जहल किस सिम किस मजमे में बैठा है। ठीक है, सारे लोगों का रश होगा तो जाते ही पहले सब अबू जहल को देखना कि वो कहाँ है, लोगों के किस गिरोह में वो बैठा हुआ है। बस उस मजमे में किसी भी फर्द को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ना, क्योंकि जाहिर है उसी मजमे में से जो लोग होंगे उन्होंने ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया होगा। ठीक है, ये सारी हिदायत देखकर और वो रवाना हुए। अब जब रवाना हुए उनका मुसलह दस्ता का मतलब है असलह कहते हैं हथियारों को। ठीक है, हथियारों से लेस जो उनका दस्ता था वो खाना काबा की तरफ रवाना हुआ। अब रास्ते में उन्हें जैद बिन हारसा मिले और उन्होंने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही सलामत है। और ये बात सुनकर हज़रत अबू तालिब ने सुख का सांस भरा और अपना मंसूबा तर्क कर दिया। तर्क करने का क्या मतलब है, किसी चीज को तर्क कर देने का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, किसी चीज को जो है वो खत्म कर देना। चले अब कलीम आप पढ़िए आगे। ये हदायत सुनते ही हजरत अबू तालिब और उनका मुसल्ला दस्ता खाना काबा की तरफ से कलीम 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 ये पढ़ चुके हैं मुसलम आपने। नेक्स्ट पैराग्राफ अगली सुबह से पढ़ना। अगली सुबह जी, अगली सुबह हजरत अबू तालिब फिर अगली सुबह अबू तालिब फिर अन हजूर का हाथ थामे अपने उसी मसल्ले दस्ते को साथ लेकर काफिर अकाबिर की मजलिस में पहुंच गए। कलीम आप सही पढ़ रहे थे बेटा, काफिर अकाबिर की मजलिस में पहुंच गए, पहले सही पढ़ रहे थे आप। काफिर अकाबिर की मजलिस में पहुंच गए। उन्होंने कफार को अपने गश्ता रोज वाले गुज़िश्ता रोज वाले मंसूबे की तफसीलात बता दी। फिर आपने मुसल्ले जवानों को अपनी चादरों की मुसल्ले मतलब हथियार हो जिनके पास। ठीक है, असलहा से लफ्ज निकला है मुसल्ले। चलें पढ़िए आगे। जवानों को अपनी चादरों के पल्लू ऊपर उठाने को कहा। कफारिया देख कर कुफार ये सही पढ़ते हैं आप, कलीम ध्यान से पढ़िए। कुफार ये देख कर शिशद रह गए। कुफार ये देख कर शिशद
रह गए कि हर जवान शेषद रह गए कि हर जवान वाकई अपनी अपनी चादर के नीचे तेज धार हथियार छुपा नीचे तेज धार हथियार छुपाए हुए था। फिर उनसे मुखातिब होते हुए हजरत अबू तालिब ने बुलंद आवाज से कहा, हम सम है कसम है खुदा की अगर तुम कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालोगे तो मैं तुम में से किसी को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खवा लड़ते लड़ते हम सब खत्म ही क्यों ना हो जाएं। बस ठीक है कलीम, बस ठीक है बेटा, बस ओके कलीम, बस ठीक है बेटा। अच्छा अब क्या होता है, अब अगली सुबह अबू तालिब जो है वो फिर आजूर के घर गए और आजूर का हाथ उन्होंने पकड़ा और उसी मुसल्लह दस्ते को साथ लेकर, कौन सा दस्ता, किसकी बात हो रही है, ये जो मुसलमानों का मुसल्लह दस्ता था जिसको एक दिन पहले जो है वो हजरत अबू तालिब लेकर और खाना काबा की तरफ रवाना हुए थे, उसी दस्ते को साथ लेकर वो काफिर काबिर की मजलिस में पहुंच गए। ठीक है, उन्होंने कुफार को अपने गुज़िश्ता रोज वाले मंसूबे की सारी तफसीलात बताई। ठीक है, वो उसी हालत में मुसल्लह, मतलब वो सारा दस्ता जो था वो उनके पास उस वक्त भी असलाह था और असलहे के साथ वो काफिरों के पास गए और उन्हें बताया कि पिछले रोज जो है वो ये वाकया हुआ है और उन्होंने मुसल्लह नौजवानों को कहा कि अपनी चादरों के पल्लू जो है, जो इसका सिरा होता है, उसको ऊपर उठाओ। जब उन्होंने उन चादरों के सिरों को ऊपर उठाया तो कुफार जो थे, काफिर जो थे, वो ये देखकर शिशदर रह गए। शिशदर का मतलब है हैरान रह जाना, बहुत ज्यादा हैरत में आ जाना। वो ये देखकर हैरान रह गए कि हर जवान ने जो है वो अपने चादर के नीचे वाकई सच में तेज धार हथियार जो है वो छुपाए हुए थे। और फिर हजरत अबू तालिब ने जो है वो क्या कहा, उन्होंने जो है वो इनसे मुखातिब हुए और बावाज़े बुलंद कहा कि अगर तुम लोग ये एक तरह से ललकारा, जिसे कहते हैं ना वार्न करना, बहुत ज्यादा जो है वो बुलंद आवाज से ललकार के उनको कहा कि कसम है खुदा की अगर तुम मोहम्मद को मार डालोगे तो मैं तुम्हें से किसी को हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हत्ता कि हम सब लड़ते लड़ते ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल वाज़ह अल्फाज में ये धमकी दे दी। चले अब कौन पढ़ेगा, कलीम आपकी टर्न आ गई है, मुसफ का भी हो गया, शामीर, चले शामीर बेटा जल्दी से आ जाएं। ये किधर है बेटा, ये आपको स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा, वही पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 63। हजरत अबू तालिब की शामीर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है बेटा, स्क्रीन से पढ़ लें, स्क्रीन से पढ़ लें। हजरत अबू तालिब की इस ड्रामाई धमकी से कुफार अकाबिर कुफार काबिर बहुत मरऊब और मुतफक्कर हुए, इन्हें यकीन हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करना कोई आसान काम नहीं। उस महफिल में मौजूद उन तमाम कफार में से अबू जहल पर इस हौसले शिकन वाके का सबसे ज्यादा नागवार असर मरतब हुआ। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पढ़िए। कुफार की मुहालिफत की नाकामी। कुफार की शदीद मुहालिफत आखिरकार नाकाम क्यों हुई, सूरत हाल की सही सूझ बूझ के लिए इस शहीद सवाल का जवाब जरूरी है। इस संजीदा लिखा हुआ है शामिल, इस संजीदा सवाल का जवाब जरूरी है। कुफार की नाकामी के चंद अहम
اسباب درج ذیل ہیں. دعوت اسلامی کے سٹاپ بیٹا بیٹا بس سامی سٹاپ چلیں. اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ اس سے حضرت ابو طالب کی جو یہ دھمکی تھی جو کھلم کھلا الفاظ میں انہوں نے کفاروں کو جو للکارا تھا اس سے کیا ہوا, اس سے جو کفار کے جو اقابر ہیں وہ بہت مرعوب ہوئے. مرعوب ہونا یعنی کسی کے اثر میں کسی سے متاثر ہو جانا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے متاثر بھی ہو گئے اور متفکر بھی ہو گئے. متفکر کا کیا مطلب ہوگا؟ فکر مند ہو جانا, ٹھیک ہے, فکر سے یہ لفظ ہے متفکر. انہیں پختہ یقین ہو گیا, پختہ کا مطلب ہے پکا, انہیں پکا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ تمام کرنا, یعنی آپ کو جو ہے وہ ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور اس محفل میں موجود ان تمام کفار میں سے ابو جہل پر اس حوصلہ شکن واقعے کا سب سے زیادہ حوصلہ شکن کسے کہیں گے؟ حوصلہ شکن کہیں گے جو آپ کے حوصلے کو توڑ دے, ٹھیک ہے, ختم کر دے, آپ کا حوصلہ جو ہے وہ پست کر دے, آپ کے حوصلے جو ہے وہ ختم کر دے. تو اس سے واقعے کا اثر سب سے زیادہ جو ہے وہ ابو جہل پر ہوا اور اس ناگوار اثر مرتب ہوا. ناگوار کا مطلب ہے جو آپ کو اچھا نہ لگے, ٹھیک ہے, اس پہ سب سے زیادہ اس چیز کا اثر ہوا. آپ دیکھیں کفار کی مخالفت کی ناکامی, تابعین اس کو ریموو کریں فوراً. اب دیکھیں کفار کی مخالفت کی ناکامی کی کیا وجوہات تھی. اب کفار کی یہ مخالفت جو اتنی انہوں نے کی, اسلام نہ پھیلے تبلیغ نہ ہو, کتنے انہوں نے حربے آزمائے. تابعین آپ نے کیا ہے, آپ اس کو ریموو کریں ورنہ بیٹا میں آپ کو میٹنگ سے آؤٹ کر دوں گی. فوراً امیجیٹلی ریموو اٹ. کفار کی شدید مخالفت کی ناکامی کی وجوحات کیا تھی, ٹھیک ہے, صورتحال کی جو صحیح سوجھ بوجھ تھی اس کو جاننے کے سوال جواب, اس سنجیدہ سوال کا جواب بہت ضروری ہے حاصل کرنا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ کنکلوژن ہمیں کر کے بتایا گیا ہے کہ کیا وجوحات تھی, کیا ریزنس تھے جن کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ ناکام ہوئے. ویٹ ا منٹ بیٹا میں ذرا تبین کو دیکھوں. تبین میٹنگ سے باہر جا چکے ہیں. چلے بیٹا اب کس کی ٹرن ہے, کون ریڈ کرے گا؟ مریم آپ رہ گئی ہیں, مریم آپ کریں بیٹا. چلیں سٹارٹ مریم. اب دیکھیں پہلی وجہ ہے دعوت اسلامی کی داخلی قوت. دعوت اسلامی کی داخلی قوت, اسلامی تحریک پختہ تر اندرونی جوش و جذبے سے ایسا چار تھے. اس کے برعکس کفار مکہ کے شرک اور بت پرستی میں کوئی داخلی دم ہم موجود نہ تھا. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار تلسماتی شخصیت اور انقلابی کردار. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر وقار اور بے مثال طور پر اثر انگیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بے حد ہنسی اور انقلابی تھا. اس کے بعد تابعین کفار میں اس پایا کہ کوئی ایسی عظیم اور مؤثر ہستی قابلہ کے لیے موجود نہ تھی. تو اللہ تعالیٰ کی حمایت, تحریک اسلامی کو اللہ تعالیٰ کی مسلسل حمایت حاصل تھی, جس کی برکتوں سے تعداد اور سامان کی کمی کے باوجود مسلمانوں کے عزم و ہمت ہمیشہ بلند رہتے تھے اور وہ حق و انصاف اور اپنی برتری کے لیے ہر لحظہ ڈٹے رہتے تھے. اس کے بعد اب کفار مکہ میں اس طرح کوئی ہستی قطعی موجود نہ تھی. ٹھیک ہے, سوم بھی پڑھ لیں مریم. جی پڑھ لی ہے. اوکے ویٹ, مریم آپ نے سوم بھی پڑھ لیا ہے؟ yes. جو تین وجوہات ہیں نا مریم, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بیٹا کلیئر بالکل بھی. اول دوم اور سوم تینوں پڑھ لیا آپ نے؟ yes, teacher. اچھا ٹھیک ہے,
अब देखें जो तीन वजूहत थी उसमें सबसे पहली वजह है दावत इस्लामी की दाखिली कुव्वत। इस्लामी तहरीक ज्यादातर अंदरूनी जोश व जज्बे से सरशार थी, इसके बरस कुफार मक्का के शिर्क और बुत परस्ती में कोई दाखिली दमखम मौजूद ना था। ठीक है बेटा, इसमें यह है कि इस्लाम की जो तहरीक थी ना वो बहुत ही लोग जो है वो जज्बे के साथ जोश के साथ उस तहरीक को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि कुफारों के अंदर वो जज्बा वो जोश दमखम था ही, तो आखिरकार उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। दूसरी जो वजह थी सबसे अहम वो ये थी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलस्माती शख्सियत और इनकलाबी किरदार, ठीक है, तो आपकी जो शख्सियत थी वो बहुत ज्यादा पुर असर थी, लोग आपकी बात का असर फौरन कबूल करते थे और आपका किरदार इसकी अहम वजह थी। अब सोचना आप काफिर जो थे वो भी इस बात को मानते थे कि आप जो है वो सादिक हैं, आप अमीन हैं, तो ऐसी शख्सियत जब होगी तो जाहिर है ऐसे ऐसी शख्सियत के हामिश उसकी बात को कोई कैसे झुटलाएगा, कोई नहीं झुटला सकता उनकी बात। फिर ये हुआ एक तीसरी जो है, और अच्छा इसके बरस का मतलब है इसके उल्ट जो काफिर थे अकाबिरीन, उनके जो बड़े बड़े लोग थे, उनकी जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उनमें कोई भी शख्सियत जो थी ना वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल जो है वो खड़ा होने की सलाहियत में से किसी में भी नहीं थी। और तीसरी और सबसे अहम वजह जो थी वो अल्लाह ताला की हिमायत जो है वो हमें हासिल थी, अल्लाह ताला की मदद जो है, अल्लाह ताला की जो नुसरत है वो हमारे पास थी, इस्लाम मुसलमानों के पास, और जाहिर है इसकी बरकत की वजह से जो है वो मुसलमानों के अज़म उनका हौसला हमेशा उनका बुलंद रहा और वो हक और इंसाफ से जो है वो अपनी तहरीक पे डटे रहे, जबकि इसके बरस कुफार मक्का में इस तरह की कोई तहरीक जो है वो उनमें बिल्कुल भी मौजूद ना थी, क्योंकि वो हक पे ही नहीं थे। अगर वो हक पर होते तो अलग बात थी, चूंकि वो हक पे नहीं थे, वो बातिल था उनका दावा, तो बिलाखिर उन्हें जो है वो झूठा साबित वो हो गए और इस्लाम में जो इस्लाम की तबलीग थी उसको वो कतई भी रोक नहीं सके। चलिए बेटा अब टाइम आपका हो गया है तकरीबन, किसी का कोई सवाल है बेटा? होमवर्क आपका सुन लें आप लोग, यही है होमवर्क आपका कि आपने बाब नंबर 6 और 7 आप लोगों को कल व्हाट्सएप हो गए हैं सबको, ठीक है, सवाल जवाब आपको मिल गए हैं, दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपने याद भी करने हैं और उनको आपने कॉपी डाउन करना है।